तो गाइस फाइनली टिकट वगैरह लेके हम लोग आ गए हैं सिटी पैलेस के अंदर। इन लोगों ने मास्क नहीं लगाया, इनको बोलो कमेंट करके बोलो जरा यार मास्क लगाने के लिए। पहाड़ चाहे उत्तराखंड के हो या राजस्थान के, एक अलग सा सुकून जरूर दे देते हैं। इसी सुकून के साथ और राजस्थान के पहाड़ों के साथ मेरी आज की सुबह हुई उदयपुर में। हे गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हमारा पहला दिन है उदयपुर में। कल आपने देखा होगा व्लॉग, कल हम शाम को ऑलमोस्ट पहुंचे थे। उसका चाय वाय पी के हम लोग महेंद्र भाई के फ्लैट में चले गए थे। थैंक्स टू महेंद्र भाई ने बड़ी हेल्प करी है, इनके और इनके मामा जी ने, राइट? यस। हाँ, तो अभी फिलहाल क्या है कि आज हमारा प्लान था कि हम स्कूटी रेंट पे ले लें, उसका भी मैं रीज़न बताता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली अभी बारिश यहाँ पे होने लग गई है, वेदर काफ़ी अच्छा हो गया है और मैं अभी गोवर्धन लेक पे आया हुआ था, तो मैंने कहा आपको लोगों को दिखा दूँ। और इसके बीच में एक क्रूज़ कैफ़े है जहाँ पे हम जाने का प्लान कर रहे हैं, शाम को जाएंगे शहर। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा था, अगर आप लोग बजट ट्रैवलिंग में आ रहे हो उदयपुर, तो जो उदयपुर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन है वहाँ पे एक उदय पोल करके गोल चक्कर है, उसी के पास पे एक संकल्प रेस्टोरेंट करके दुकान है, वहाँ पे आपको स्कूटी रेंट पे मिल जाती है, जिसका प्राइस आपको 350 से 400 पर दिन के हिसाब से पड़ेगा। कुछ वो सिक्योरिटी अमाउंट लेंगे तो वो आपको सस्ता पड़ेगा अगर आपको उदयपुर पूरा एक्सप्लोर करना है। तो अगर आपको फोर व्हीलर लेनी है उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है, वहाँ पे वैगनार मिली थी काफ़ी अच्छी कंडीशन में, 4-5 हज़ार रुपये पर डे के हिसाब से रेंट पे मिलती है। बाकी आप नेगोशिएट कर लेना और लोगों से भी पूछ लेना, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो फिर ज्योति को भी पिक करना है और फिर उसके हम सीधे निकल जाएंगे सिटी पैलेस के लिए। आज का सबसे पहला जो हमारा मेन अट्रैक्शन है वो सिटी पैलेस है, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, वहाँ के चारों ओर आसपास की चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ पे जगन्नाथ टेंपल है, 2-3 चीज़ें और हैं। चल गया उदयपुर एक्सप्लोर करने के लिए, मैंने यहाँ से एक लिफ्ट ली एक लड़की से, जो गाइस वहाँ से तकरीबन आधा घंटे की राइड के बाद हम लोग सिटी पैलेस पहुँच गए हैं। सेक्टर 15 से हम आए थे और सिटी पैलेस में आज इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। पिछली बार आया था उदयपुर तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, ऑब्वियसली कोविड भी थोड़ा कम रश है। एज यू कैन सी, ये है सिटी पैलेस का मेन गेट, यहाँ से अंदर गाड़ियाँ भी, अंदर पार्किंग भी है प्रॉपर। और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएगी सुवियर वगैरह खरीदने के लिए, बहुत सारी यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेसेस वगैरह खरीदने के लिए काफ़ी सारी दुकानें यहाँ पे अवेलेबल है। और इवन खाने के भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो यहाँ के लोकल फूड और स्ट्रीट फूड टाइप की चीज़ें होती है वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। अभी यहाँ पे जो है टिकट है, एंट्री टिकट तो सस्ते नहीं पड़ता है, तो एंट्री टिकट जो है अलग अलग पड़ता है। यार वैसे तो मैं इस पैलेस पे पहले आ चुका हूँ, लेकिन सही बताऊँ तो अभी भी मुझे इसे देख के अलग ही प्रकार का एक्सपीरियंस हो रहा है। ये पैलेस 400 साल पुराने भवनों का समूह है और इसकी स्थापना जो 16वीं शताब्दी में शुरू हो गई थी। और सबसे मज़ेदार बात तो यह है दोस्तों कि इस पैलेस को स्थापित करने का विचार एक संत ने राजा उदय सिंह द्वितीय को दिया था। तो चलिए दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ इस पैलेस के अंदर और साथ साथ में देखते हैं कि पैलेस कितना सुंदर है अंदर से। सो गाइस फाइनली टिकट वगैरह लेके हम लोग आ गए हैं सिटी पैलेस के अंदर। एज यू कैन सी यहाँ पे पीछे पार्किंग है, पैलेस की टू व्हीलर की इधर है और फोर व्हीलर की सामने है। और अभी ये पूरा बहुत बड़ा पैलेस है, काफ़ी टाइम लगेगा इसे घूमने में, देखते हैं कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो यहाँ से हमें खुद ही एक्सप्लोर करना है और इसके अंदर बहुत सारी सुविधाएं की दुकानें भी अवेलेबल हैं, अगर आपको कुछ खरीदना है तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो गाइज ये है यहाँ पे मेरी एंट्री, जैसे कि आप मेरे पीछे देखेंगे, और इसमें रूम पे एंट्री के साथ में इंफॉर्मेशन सेंटर है जहाँ पे आप चीज़ें पता कर सकते हैं, चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं और प्लेट्स वगैरह ऐसी जैसे देते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, यहाँ की स्टोरीज वगैरह भी अगर आप चाहो तो गाइड भी बुक कर सकते हो यहाँ पे। सो गाइज पैलेस में एंट्री करने के साथ से आपको यहाँ पे अमेजिंग वॉल पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगी और सुंदर सुंदर वॉल्स में नक्काशियाँ देखने को भी मिल जाएंगी। सो गाइस दो बार चेकिंग होने के बाद हम लोग अंदर जा रहे हैं। ये जो मेन एरिया है, जैसे एंट्री करते हो आप गेट के, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक व्यू देखने को मिलता है, मुझे तो काफ़ी पसंद आया क्योंकि ये चारों ओर से ना बीच में एक आंगन सा बना हुआ है, चारों ओर से
विंडोज वगैरह। क्योंकि ये एक म्यूजियम भी है, तो जैसे ही आप धीरे धीरे अंदर आगे की ओर बढ़ते हो तो यहाँ आपको उस जमाने में यूज़ की गई वस्तुएँ देखने को मिलेंगी, और महाराणा जी द्वारा यूज़ किए गए तलवारें, भाले और कई प्रकार के वस्त्र ऐसे हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे, जो उस समय युद्ध के दौरान यूज़ किए जाते थे। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि इस पैलेस में जो दरवाजे हैं वो छोटे बनाए गए हैं, और एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए जो गैलरी हैं वो बहुत छोटी और सकरी गैलरी बनाई गई है। इन दरवाजों को छोटा और गैलरी को सकरा बनाने का रीज़न ये कहा जाता है दोस्तों कि उस जमाने में अगर पैलेस में किसी सेना के द्वारा अटैक किया जाए तो बहुत सारे सैनिक एक साथ एक कमरे से दूसरे से कमरे में ना पहुंच सकें, इसलिए ये जो है गैलरियों को बहुत सकरा बनाया जाता है और जो दरवाजों को छोटा बनाया जाता है ताकि उनको झुक के घुसना पड़े और ज़्यादा समय लगे, जिससे कि राजा को थोड़ा टाइम मिल जाए उस पैलेस से बाहर निकलने का अपने गुप्त दरवाजे के थ्रू। तो गाइस छोटी छोटी गलियों को पार करके हम एक ऐसे एरिया में आ गए, ओपन एरिया में, जहाँ पे बीच में कभी तालाब हुआ करता था स्टूडेंट सी, अभी तो पानी नहीं है इसमें, और इसके चारों ओर ना पूरी वो बनाई हुई है, गैलरी बनाई हुई है, इसमें हो सकता है उस टाइम पे कुछ प्रोग्राम्स वगैरह हुआ करते होंगे। जो बेसिकली आर्किटेक्चर है ना काफ़ी अमेजिंग है, फोटोग्राफी के लिए तो बहुत सही लग रहा है। फाउंटेन भी आया हुआ है एजुकेशन से, भाई सूरत से आए हुए हैं, तो ये हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं। अब इंटायर पैलेस की हिस्ट्री है वो आप जानने के लिए यहाँ से बुक्स वगैरह भी खरीद सकते हो। अरे भाई तुम लोग कहाँ गए वो, चलो चलो फटाफट हम कहाँ जाएंगे, यही है। थोड़ा सा ही और आगे चलने के बाद दोस्तों आपको यहाँ जगह जगह पे पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगी, जो पेंटिंग्स खुद में ही एक कहानियाँ बताती हैं। और अच्छी बात यह है दोस्तों हर पेंटिंग के नीचे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि वो पेंटिंग किस बारे में है। जैसे जैसे आप इन सकरी गलियों से एक भवन से दूसरे भवन में पहुँचते हैं आपको और भी सुंदर नक्काशियाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे एक कांच का पूरा कक्ष बनाया गया हुआ है, पूरा इसमें पूरे कांच से नक्काशी की गई है, जैसा कि आप देखेंगे बहुत सुंदर लगता है, और जब इसमें सूरज की किरण पड़ती है तो लाइट से ये जगमगा उठता है। और दोस्तों अगली जो खास बात है इस पैलेस की वो है यहाँ की खिड़कियाँ, जो कि मुझे पर्सनली दोस्तों काफ़ी पसंद है। हालांकि यहाँ पे हर खिड़की का भी एक्सेस नहीं दिया गया है, आपको कुछ ही खिड़कियाँ ऐसी मिलेंगी जहाँ से आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। यही खिड़की के बेहतरीन व्यू लोगों को यहाँ पे अट्रैक्ट करते हैं फोटोग्राफी करने के लिए। एक छोटे से रूम पे आए हुए, यहाँ पे पेंटिंग्स काफ़ी अमेजिंग करी हुई है, बिल्कुल बहुत ही बारीक पेंटिंग जैसे बोलते हैं ना, बहुत ही ज़बरदस्त काम किया हुआ है, मज़ा आ गया देख के। जैसे बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा ओपन एरिया है, जहाँ पे इस तरह से विंडोज़ में कलरफुल लाइट्स आ रही है, तो ये फोटोग्राफी के लिए भी बहुत अच्छी प्लेस हो सकती है। हेलो, एक नंबर, दो नंबर, ये लोग दोनों पता नहीं कहाँ गया, बोरे पता नहीं यही है, हम इसको काफी मतलब अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो तो ये काफी आपको डिटेल में पता लग जाएगी। तो चलिए अभी थोड़ा अंदर एक्सप्लोर कर लेते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है सीरियसली। और ये दो लोगों को देखो, इन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है, कमेंट करके बता बोलो यार इनको मास्क लगाने के लिए, इन दो लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ है, इनको बोलो कमेंट करके बोलो जरा यार मास्क लगाने के लिए, लाइन में और चल लो यार। अरे अरे भैया लाइन से, तो इस तरह से लाइन पकड़नी पड़ रही है, यहाँ लाइन भागे जा रही है, लाइन को पकड़ना पड़ रहा है, लाइन लगी हुई है भाई, हालत खराब है, आओगे तो सोच समझ के आना। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है, हम लोग आए थे दिन के टाइम पे तो यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था कि हम लोग अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाए और ना ही मैं अच्छे तरीके से व्लॉगिंग कर पाया, इसीलिए मैं इसे वॉइस ओवर में डाल रहा हूँ। सारे मजे कैसे कर रहे हैं, ये पुराने जमाने की व्हील चेयर है देख लो।
सो गाइस अगर आप हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक गाइड जरूर कर लेना, बिकॉज यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए चीज़ें हैं, वो जानने के लिए गाइड की जरूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भीड़ भी इतनी ज़्यादा होती है और गाइड होता है ना तो एक ग्रुप बन जाता है और हर जगह पर रुक रुक के एक एक स्पॉट के बारे में और एक पेंटिंग्स हो गया, एक एक जो जो चीज़ें यहाँ पे है म्यूजियम में सबके बारे में वो डिटेलिंग में बताता है। अगर आप लोगों को ये पैलेस अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो मुझे कॉमेंट में आप ज़रूर बताएं। सो गाइस इस बार उन्होंने एग्जिट में ना पूरे मूर्तियों का और साथ ही साथ में म्यूजिक का म्यूजियम बनाया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा रेनोवेट कर दिया है इस पूरे पैलेस को पीछे वाली साइड से जहाँ से एग्जिट है। एक तो था मस्ताना हाउस, एक था जनाना प्लेस था, मुझे लगता है जनाना वाला ज़्यादा बेटर था कि वहाँ पे उनकी ड्रेसेस एंड ऑल सब चीज़ें हमें देखने को मिली। अच्छा आपने देखी थी क्या? हाँ हमने जनाना देखी थी। ये एग्जिट जो था ना अभी इन्होंने पूरा कस्टमाइज कर दिया है, पहले इतना बड़ा नहीं था एग्जिट, अभी पूरे पूरे पेंटिंग्स वगैरह लगा लोगों के बहुत लंबा कर दिया है और अभी हम लोग बाहर आ गए हैं। ये कॉमन एरिया है, यहाँ पे मैंने सुना है कि यहाँ पर मैरिजेस वगैरह भी होती हैं सिटी पैलेस में, तो यही कॉमन एरिया जहाँ पे प्रॉपर सेरेमनी वगैरह होती है और काफ़ी सही है। अभी रेनोवेट कर रहे हैं इसको थोड़ा बहुत, जैसा अभी देखा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे और सही है। मतलब यार ये मुझे लगता है कि जो सिटी पैलेस है ना इसे एक्सप्लोर करने के लिए पूरा एक दिन चाहिए, हमें लगा था हम एक दो घंटे में कर लेंगे बिकॉज हम पहले भी आए हुए थे, बट भीड़ के वजह से मेन प्रॉब्लम हो रही है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। और कोशिश करें अगर आप आते हो यहाँ तो मॉर्निंग के टाइम पे आ जाएं, जितनी जल्दी अर्ली मॉर्निंग 9 बजे खुलता है शायद, तो 9 बजे अगर आप आ जाओगे तो आपका इजीली पूरा हो जाएगा प्रॉपर, क्योंकि उसके बाद जैसे दिन दिन में आते रहते हो, अभी 4 बज रहा है शाम का और इतनी ज़्यादा भीड़ है पूछो मत। क्या नाम आपका? करण। करण भाई अहमदाबाद से आए हैं, थैंक यू सो मच। सिटी पैलेस से आप जैसे थोड़ा सा नीचे उतर जाओगे ना यहाँ पे जगन्नाथ टेंपल पड़ता है, क्योंकि काफ़ी पुराना मंदिर है और अभी भी यहाँ पे जब पूजा होती है तो काफ़ी लंबी लाइन लग जाती है, काफ़ी भीड़ होती है, क्योंकि उसकी मान्यता बहुत अधिक है। मैं यहाँ पहले गया हूँ इसलिए अभी नहीं जा रहा हूँ, अगर आप आते हो तो यहाँ पे ज़रूर जाना, आपको पूरा पुराने टाइम का आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा और पुरानी मूर्तियाँ देखने को मिलेगी। और यहाँ पे कहते हैं जो मेन अंदर की मूर्ति है ना उसके दर्शन बिल्कुल बाहर से जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे कुछ मिरर का कुछ सिस्टम ऐसा मैकेनिज्म सेट किया हुआ है या फिर ऐसा डायरेक्शन सेट किया हुआ जिससे आपके जो मेन भगवान है मूर्ति है जो उसके दर्शन सीधे बाहर से ही एकदम से हो जाते हैं, तो आप भी जाना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बाकी अच्छा लगा। अगर आप पहले से गए हुए अगर उसके बारे में आपको पता था तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस सिटी पैलेस के बाद अभी हम आ गए हैं फतेह सागर लेक, अभी हम आ गए हैं कुछ खाने पीने के, एक छोटी सी दुकान है मैगी वैगी की जो थी, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे आउटलेट्स लगे हुए हैं जहाँ पे आप बहुत सारी चीजें खा सकते हैं और साथ में कई सारे आइटम्स, मतलब फैमिली की एक अच्छी जगह मुझे देखने को लग रही है। भीड़ तो है और ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा, टूरिस्ट आए हुए। कैसी हो रही मैगी? भेलपुरी भी टेस्ट करके बताते कैसी है। हाँ करना, मिर्ची बहुत है इसमें, सही है। ये लूट पाट की वजह से बंद करती है।